ये मेरा अधिकार है। आप कितने नीचे गिर जाओ, संवैधानिक अधिकार है। इस तरह से नीचे नहीं गिरना चाहिए। नीचे गिरा तो वो पकड़। 10 लाख हिंदुओं का कत्लेआम जिस सत्ता लोलुपता में हुआ, वह सत्ताधारी आसुरी था कि दैवी था? सभ्यता तुमसे सीखूंगा मैं, चिरकुटों से। बिल्कुल सीखिए, आजादी है तो सभ्यता की बात कीजिए। सीखूंगा आसुरी चक्र के तले चढ़ने वाले चिरकुटों से सीखूंगा। भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, अजय जी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होगा। मैं भी नहीं रुक जाइए, नहीं अजय की रिपोर्ट बहुत सुंदर होने वाली है। आज की वीडियो में जब से इंडिया एलायंस बना है तब से इनके नेता इसमें शामिल घटक दल के नेता सनातन धर्म पर अशब्द बोल रहे हैं और सनातन धर्म को अपमान किए जा रहे हैं। इनकी यह मंशा बन सी गई है सनातन को नीचे दिखाने की। आज की डिबेट इन्हीं मुद्दों के ऊपर होने वाली है, तो आप लोग डिबेट में देखोगे कि कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अपनी बात के ड्रम में पूरी करते हैं, लेकिन जब प्रेम शुक्ला जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं इनकी बारी आती है तो यह टोपाटाकी करने लगते हैं। तो लेकिन इनको शायद पता नहीं है कि प्रेम शुक्ला जी की प्रवृत्ति क्या है, इनको वह अच्छे से धो डालते हैं। तो आज की रिपोर्ट बहुत मजेदार और फनी होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। और अगर आप लोग हमारे चैनल में नए आए हो तो एक सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। राजकुमार भाटी जी, अपोलोजाइज क्यों नहीं की जा रही गलती के लिए? मैं कह रहा हूँ राजकुमार भाटी जी, अपोलोजाइज क्यों नहीं किया जा रहा है गलती के लिए? गलती तो है, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार बार गलती हो चुकी है। इनफैक्ट 4 क्या 5 6 7 में गिन रहा हूँ, 16 बार तो मेरे सामने इंस्टेंसेस हैं इसके। राजकुमार भाटी जी, नहीं बिल्कुल, कोई गलती करे तो उसकी आलोचना होनी चाहिए, उसकी निंदा होनी चाहिए और उसे खुद भी स्वीकार करना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी का जो बयान है उसमें गलती कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी ने ऐसा कहा ही नहीं जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। इनकी आदत है ये मुद्दों को भरमाने में, घुमाने में बड़े माहिर हैं। एक बार कांग्रेस के एक नेता ने प्रधानमंत्री के लिए बोल दिया था कि ये बहुत नीच आदमी है, हालांकि मैं इन शब्दों से भी सहमत नहीं हूं, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत बोला था एक व्यक्ति के लिए कि ये बहुत नीच आदमी है। तो मोदी जी ने एकदम उठा दिया, मेरी जाति को नीच कहा है, मेरी जाति को बुरा कहा है, मेरी जाति को नीच बताया है। ये इस तरह मुद्दों से भरमाते हैं। राहुल गांधी का कहने का अर्थ यही था जो अभी सारिका जी स्पष्ट कर रही थी कि रावणी जो शक्ति है, जो आसुरी शक्ति है, जो राक्षसी शक्ति है, उन शक्तियों से हमें लड़ना है और हमें दैवीय शक्तियों को आगे बढ़ाना है। लेकिन इन्होंने उसे ले लिया कि शक्ति तो महिला के लिए कहा जाता है। कोई नेता क्यों महिलाओं का विरोध करेगा? कोई नेता क्यों महिलाओं में प्रहार करेगा? कोई समझ में आने वाली बात है? लेकिन देश के लोग समझ रहे हैं आपकी डिबेट के माध्यम से। हिंदू धर्म के ऊपर कैजुअल टिप्पणी और अपमानित टिप्पणी, हिंदू धर्म। राजकुमार भाटी जी, नहीं मुझे तो केवल एक बात प्रदीप भाई आप बता दीजिए, मैं हिंदू हूं या नहीं हूं? ईमानदारी से बताओ, मैं हिंदू हूं या नहीं? मेरे घर में सारे हिंदू संस्कार होते हैं, प्रेम शुक्ला हमारे सब परिवार के शादी विवाह हिंदू संस्कारों से होते हैं। हम क्यों हिंदू का विरोध करेंगे, अपना ही विरोध करेंगे? तो फिर जब राम मंदिर का आंदोलन था तो आपने खुल के राम मंदिर बनने का सपोर्ट क्यों नहीं किया अगर आप हिंदू थे? इसमें भी दो वाक्य बोल दूं। हाँ, फिर प्रेम शुक्ला जी, इसमें भी दो वाक्य बोल दूं। आपने टिप्पणी की थी कि राम मंदिर निर्माण का हमने विरोध किया। राम मंदिर निर्माण का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद न तो समाजवादी पार्टी ने, न देश की किसी और पार्टी ने, न किसी हिंदू ने, न किसी मुसलमान ने कभी विरोध नहीं किया। ये जो गैरकानूनी तरीके से धर्मस्थल को गिरा रहे थे, धर्मस्थल बनाने का विरोध नहीं था, धर्मस्थल गिराने का विरोध था। जो गिराया जा रहा था वो गैरकानूनी तरीके से गिराया जा रहा था। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने। प्रेम शुक्ला जी, तो बाबर ने जो है धर्मस्थल जो गिराया था राम मंदिर, वो कानूनी तौर पर गिराया था, ये कहना है? बाबर का कानून आज लागू होता है क्या? आज बाबर का युग क्यों रहा चाहते हो? तो बाबर के चरण क्यों चाट रहे थे? आजम खान भारती को डायन कह रहा था, जब बकरी चोर आजम खान माँ भारती को डायन कह रहा था तो चुप्पी क्यों साध रखी थी? बोल सकते हैं, आप बताइए ना, आपका ये हो सकता मेरा इस तरह? बकरी चोर, अरे बकरी चोरी का केस उसके ऊपर क्या बोल सकते हैं? क्योंकि आप बकरी चोर आजम खान जब माँ भारती को डायन कह रहे थे तब आपने चुप्पी क्यों साध रखी थी? आपके संस्कार हो सकते हैं, माँ भारती को डायन कहना मेरा स्तर है। नेता के लिए आप शब्द बोल रहे हैं, ये सम्मानित नेता है वो? बकरी चोर स्तर हो सकता है जो माँ भारती को डायन कहे वो सम्मानित है? बकरी चोर बहुत आपके संस्कार हो सकता है, आपके परिवार ने यही पढ़ाई की कराई होगी, आपके पिताश्री ने संस्कार दिए होंगे, बकरी चोर को ये हो सकता है आपके हो, हम नहीं उतरेंगे किसी के राजनीतिक मुद्दों का करेंगे और हम व्यक्तिगत गाली गलौज नहीं करेंगे। प्रेम शुक्ला, बकरी चोर को बकरी चोर नीचे उतर जाएं, ये मेरा अधिकार है। आप कितने नीचे गिर जाएं, संवैधानिक अधिकार है, इस तरह से नीचे नहीं गिरेंगे। प्रेम शुक्ला, वो बकरी चोर कितनी बदजुबानी करें, लगातार मेरे
बीच में बोला प्रदीप भाई, बीच में मत बोलिए, मैं कह रहा हूँ बीच में ना बोलिए, मैं कह रहा हूँ एक सेकंड, इनको बकरी चोर कहने पे इतना इनको क्यों बुरा लग गया भाई? मैं इस स्तर पर नहीं उतरूंगा, मेरा निवेदन है आपको सर चोर कहूं, आपके संस्कार रहे, अरे बदतमीज, मां भारती को डायन करने वाला बदतमीज है, मां भारती को डायन करने वाला बदतमीज, बदमाश था, मैं आपका भी और आपके नेता का भी नाम सम्मान, अरे आजम खान को क्या कहूंगा जो मां भारती को डायन करने का कुकर्म करता हो, उस बकरी चोर को क्या कहूं मैं? प्रेम शुक्ला आप एक्सपोज हो रहे हैं, आप अपना तो प्रदीप जी मैं आपके शो में हूं कि नहीं, प्रदर्शन बिल्कुल, प्रेम शुक्ला जी आएंगे, मैं कह रहा हूं राजकुमार भाटी जी एक सेकंड, प्रेम शुक्ला जी और अजय जी पाना चाहता हूं, बकरी चोर के समर्थक को उसका स्तर दिखाई देता है कि बकरी चोर के लिए बकवास करने वाले का स्तर भी जो है इस देश के दर्शक देख रहे हैं कि क्या स्तर है उनका। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, मैं कह रहा हूं अजय जी आपको रियलाइजेशन है कि आप कंसिस्टेंटली हिंदू आस्था के खिलाफ बयान दे रहे हैं। अजय जी देखिए मुझे नहीं लगता है कि कोई चीज हिंदू धर्म की आस्था के खिलाफ दिया गया, क्योंकि हिंदू धर्म में दो चीजें डिफाइन है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, निश्चित रूप से असुरी शक्ति का भी जिक्र है और दैविक शक्ति का भी जिक्र है, तो इसमें जिस तरह के जो टर्म्स गिनाए राहुल गांधी ने, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और दूसरे और सारी चीजें, अदानी अंबानी जैसे लोग, तो निश्चित रूप से वो असुरी शक्तियां हैं, और असुरी शक्तियों की बात की नंबर एक। नंबर दो, हिंदू धर्म को यदि आप जानते हैं तो हिंदू धर्म में बिल्कुल जैसा मैडम पासवान कह रही थी, मैं उस बात से सहमत हूं, गरुड़ पुराण कहता है कि हमारे परिवार में यदि किसी उसका निधन होता है, हमारे खानदान में निधन होता है, हम अपने बाल बनवाते हैं, हम अपने नाखून बनवाते हैं, हम अपना सारी ये चीजें परंपराओं का पालन करते हैं, नरेंद्र मोदी ने नहीं किया। हमारे हिंदू धर्म के सबसे शीर्ष चार शंकराचार्य हैं, उन शंकराचार्यों ने राम मंदिर की प्रतिष्ठा, मूर्ति की प्रतिष्ठा के मुद्दे पर सवाल उठाया, हम नरेंद्र मोदी ने उसे नहीं माना, वो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा अपमान था। इसके अतिरिक्त नरेंद्र मोदी ने हर जगह हिंदू धर्म का अपमान किया है, जब वो काशी विश्वनाथ बाबा में जाकर के पूजा करते हैं तो वो ऊंचे आसन पर बैठते हैं और वहां से पूजा करते हैं, हमारे यहाँ सदैव देवता से नीचे आसन में बैठने की परंपरा है, तो साहब इससे समझा जा सकता है कि हिंदू धर्म का अपमान कौन करता है। नंबर दो, कभी वो अपने आप को भगवान विष्णु जैसा दिखाते हैं तिरुपति बालाजी में, और कभी वो उठा करके बाबा विश्वनाथ में, और जिस तरीके से त्रिशूल उठा करके दिखाते हैं, वह उन शीर्ष देवताओं का अपमान है, क्योंकि हिंदू धर्म में तीन देवताओं का जिक्र है। यदि हम यजुर्वेद के 32.2 को देखेंगे, उसमें कहा गया है कि कोई भी देवता की मूर्ति नहीं होती, कोई प्रतिमा नहीं होती, कोई आप राय बरेली में मंदिर बनवा देते ना इतने सालों में, से मैं कह रहा हूँ अजय जी, प्रेम शुक्ला जी, हिंदू धर्म का एबीसीडी जिन्हें नहीं पता है आएंगे, वो हिंदू धर्म का प्रेम शुक्ला जी जवाब देंगे, और प्रेम शुक्ला जी जवाब देंगे, पर मैं कह रहा हूँ कि इतना ज्यादा हिंदू धर्म के प्रति प्रेम था तो राय बरेली में 25 साल से ज्यादा आंखें गांधी परिवार की सरकार रही थी, बना देते मंदिर, सड़कें बनवा देते, वहां कौन सा मंदिर आपने बड़ा बनवा दिया, या जब कांग्रेस से आती राम मंदिर में राम मंदिर बनवा देते, सब उसी के परिवार का बनवाया हुआ है। प्रेम शुक्ला जी, अरे मैं राय बरेली के अंदर गया हूँ, राय बरेली में एक बड़ा भव्य मंदिर बता दीजिए जो काशी विश्वकाशी के बराबर होंगे, मेरा प्रेम शुक्ला जी कौन सी गली बताइएगा, मुझे नाम बताइए मंदिर का, नाम बताइए मंदिर का, एक दिन अजय जी नाम बताइए मंदिर का, घर है मैं जानता हूँ, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी पहले शिलान्यास कांग्रेस सरकार में, प्रेम शुक्ला जी जो हुआ था, अब आप सुनेंगे, ठीक है अजय जी, अब आपने बोल दिया, आपने अजय जी मेरे बारे में लगातार लोग चीख रहे हैं, अजय जी अब सुनिए प्लीज, अब आप सुनिए ठीक है, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी एक के बाद एक बोलिए, देखिए मेरे डिबेट में ऑपोजिशन 60% से ज्यादा बोल रहा है, तो प्लीज प्रेम शुक्ला जी को भी सुनिए, बोलिए प्रेम शुक्ला, प्रदीप जी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपकी डिबेट में मैं सबको शांति से संयम से सुनता हूँ, और लगातार मेरे बीच में लोग चिचियाते हैं और डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं, विपक्ष की हताशा निराशा का ये अपने आप में प्रमाण है। अभी इन्होंने आसुरी शक्तियों का जिक्र श्रीमान अजय शुक्ला ने किया, 10 लाख हिंदुओं का कत्लेआम जिस सत्ता लोलुपता में हुआ वह सत्ताधारी आसुरी था कि दैवी था, 10,000 ब्राह्मणों की हत्या करा दी और एक FIR नहीं दर्ज कराया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, वो आसुरी शक्ति थी कि दैवी शक्ति थी, कृपा करके मुझे बताइए, हजारों हजार गौ भक्तों पर गोली चलाकर हत्या कर दी गई, जिनको बोले हत्या कर दी गई गोपाष्टमी के दिन, गोपाष्टमी के दिन कर्पात्री महाराज जी के नेतृत्व में आए, अब देखिए मैं अजय जी उनको बोलने दीजिए, अजय जी उनको बोलने दीजिए, अजय जी आप बोलने दीजिए उनको, मेरा निवेदन है कंप्लीट करने दीजिए अपनी बात, ये अभद्रता और अशिष्टता की पराकाष्ठा है, बोलिए प्रेम जी अपने अपनी बात कंप्लीट करिए, मैं आ रहा हूँ, गोपाष्टमी के दिन श्रीमती इंदिरा गांधी के बर्बर नेतृत्व ने उनके आदेश पर दर्जनों संतों की निर्मम हत्या कर दी,
ये आसुरी शक्ति थी कि दैवी शक्ति थी, जिन लोगों ने आपातकाल में लाखों राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बिना अपराध के जेल में डाल दिया, वो आसुरी शक्ति थी कि दैवी शक्ति थी? 10,000 सिखों का नरसंहार, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार, उनके गले में टायर डालकर आग लगा दी, और प्रधानमंत्री ने निर्दयता पूर्वक राजीव गांधी ने बयान दिया कि जब बड़ा पेड़ हिलता है गिरता है तो धरती हिलती है, ये आसुरी शक्ति थी कि दैवी शक्ति थी? मुझे कृपा करके बताइए, आसुरी शक्ति या कौन? फिर लगे चिल्लाने, फिर चीखने लगे, प्रदीप जी क्या है? मैं कह रहा हूँ अजय जी, प्रदीप जी क्या है? आसुरी शक्ति या क्यों चीख रही है? मैं तो सुन रहा था सबको संयम से, और मैंने जितने भी उदाहरण दिए एक भी उदाहरण गलत हो तो आप मुझे बताइए, ये काहे चिचिया रहे भाई? मैं कह रहा हूँ चिचिया रहे, काहे चिचिया रहे बाबू, काहे चिचिया रहे हो, गलत काहे पाल रहे हो? आप अपने जितने भी प्रश्नों का शब्दों का चयन सही करें, सभ्यता तुमसे सीखूंगा मैं, चिरकुटों से। बिल्कुल सीखिए, चिरकुटों से सीखूंगा मैं, तो सभ्यता की बात कीजिए, चिरकुटों से सीखूंगा, आसुरी शक्ति के तल में चलने वाले चिरकुटों से सीखूंगा मैं, असभ्य व्यक्ति, पाला बदलने वाले, पार्टियां बदलने वाले, भगेड़ू लोग, भगेड़ू। निवेदन है जी, ऐसी भाषा नहीं, ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होगा जी, अजय जी नहीं, ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, अजय जी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होगा, मैं दिल में रुक जाइए, नहीं अजय जी, अजय जी प्लीज, अजय जी प्रेम जी आप भी शांत हो जाइए प्लीज, प्लीज ऐसी भाषा का प्रयोग ना करिए, अभद्र भाषा, ये चिरकुट है, चवन्नी छाप आदमी से क्या, मेरा निवेदन है।